So guys welcome back to another video. तो गईज इस वीडियो में हम लोग एरियन कैपिटल मार्केट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मतलब ये एरियन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है तो गई इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो पॉइंट्स कवर करेंगे सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे हम लोग इस कंपनी की फंडामेंटल से रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट फिगर्स चेक करेंगे एंड समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं एंड अवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे हम लोग इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे मतलब कहा पे आप लोगों को बाय करना चाहिए कहां पे है रेजिस्टेंस और मतलब स्पेशली इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में हम लोग सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं तो गर्स बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं सो so, सबसे पहले ये डिस्कस कर देता हूँ कि कंपनी आखिर में करती क्या है क्योंकि बहुत लोग ये इस कंपनी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं मेरे वीडियो के थ्रू तो उन लोगों को मैं बता दूं कि कंपनी करती क्या है सो so, ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है अगर फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करें तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस कॉर्पोरेट सोल्यूशंस एच एन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड एन आर प्रोवाइड कराती है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो अभी अगर कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो तीन करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप प्राइस टू अर्निंग रेशियो है नाइन पॉइंट थ्री वन का आर ओ सी है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट का एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन परसेंट का अब ये तीनों तो ठीक ठाक ही है इस कंपनी में लेकिन कंपनी की जो लास्ट सिक्स मंथ्स की रिटर्न है वो है अप्रॉक्सिमेटली नेगेटिव नेगेटिव फिफ्टी टू परसेंट मतलब आज से छः महीने पहले अगर आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाया था अगर आप लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया था तो वो रिड्यूस हो गया अगर आपने सौ रुपया लगाया था छह महीने पहले अगर अपने सौ रुपया लगा था इस कंपनी में तो वो रिड्यूस होकर अभी फोर्टी एट रुपीज हो चुका है जो कि बहुत ही कंसर्निंग है इस कंपनी से रिलेटेड एंड ये तो सिर्फ और सिर्फ सिक्स मंथ्स का रिटर्न है ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट एक साल से सा लगातार डाउन ट्रेंड में है तो अगर छह महीने पहले की जगह पे अगर वन एक साल पहले आपने बाय किया होता तो अप्रोक्सीमेटलीगेटिव सिक्सटी सेवेंटी परसेंट का रिटर्न आप लोगों का यहाँ पे बन रहा होता जो कि बहुत ही कंसर्निंग है इस कंपनी के लिए लास्ट तीन साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक है अप्रोक्सिमेटली बाईस के आसपास है बुक वैल्यू से स्लाइटली ऊपर ही ट्रेड कर रहा है डिविडेंड ये कंपनी देता है आप लोगों को डिविडेंड इल्ड पॉइंट एट फोर परसेंट का है फेस वैल्यू एक रुपये का है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो पॉइंट फाइव से कमी है अभी अगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो पिछले पाँच साल से इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 25% परसेंट सी का प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है जो कि बहुत ही बढ़िया है और अगर नेगेटिव्स में देखा जाए तो कंटिजेंट लाइवरीज ऑफ 156 फिफ्टी सिक्स करोड़ एंड कंपनी एज हाई डिप्टेड डेज ऑफ 513 डेज तो अभी अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 33.55 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड 7.16 करोड का नेट प्रॉफिट एंड यह है कंपनी का नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सो अभी अगर यह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो सप्टेम्बर ट्वेंटी में कंपनी ने थर्टी नाइन करोड का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड ट्वेल्व पॉइंट करोड का नेट प्रॉफिट सो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी का जो ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और नेगेटिव

फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो करंट टीटीएम का जो प्रोजेक्शन है वो अगेन फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में काफी कम है करंट टीटीएम का प्रोजेक्शन है 152 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने जनरेट किया था 170 करोड़ का 170 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था यहाँ पे एंड प्रॉफिट के बारे में अगर बात करें तो करंट टीटीएम का प्रोजेक्शन है चालीस करोड़ का फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में कंपनी ने जनरेट किया था पचास करोड़ का तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे जो यहाँ पे जो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड यार ऑन ईयर बेसिस की तरह मतलब कंपनी की जो ग्रोथ है चाहे वो रेवे वाइज देखा जाए या फिर प्रॉफिट वाइज दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है बाकी अगर के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी की हाफ ईयरली बेसिस की बैलेंस शीट की डेटा यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि कंपनी की रिजर्व भी इंक्रीज हुई है एंड उसके साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी के डेट मतलब कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली

क्वार्टर के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.12% जो कि अनचेंज्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एफआईज ने सेलिंग की थी जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और अगर बात करें ईयर ऑन ईयर सॉरी

सो so, अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं तो देखोग कंपनी का जो ग्रोथ है चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देखा जाए या तो फिर इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है एंड पिछले एक साल से कंपनी की जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे ओवरऑल कम हो रहा है तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इस कंपनी में एक भी पैसा लगाओ बाकी अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आगे चल के रिकवर कर सकती है आगे चल के बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ दिखा

सो so, अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत टाइम के बाद यहाँ पे हम लोग आ गए पहले ही बताता हूँ यहाँ पे हम लोग आगे एनएससी के डेली चार्ट चार्टे वन डे का टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है सो so, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएस के डेली पे एंड यहाँ पे दिया हुआ है फिफ्टी मूविंग एवरेज जो कि मिड टर्म का ट्रेंड बताता है क्योंकि ट्वेंटी मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए एंड टू मूविंग एवरेज है फॉर रियली लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तो मैंने यहाँ पे बैलेंस्ड खोल रखा है फिफ्टी मूविंग एवरेज सो कंपनी अभी टोटली डाउन ट्रेंड में है एंड अगर आज देखा जाए तो बहुत टाइम के बाद आज जाके बाइंग हुआ है कंपनी में

ट्वेंटी फोर्थ मार्च तक लगातार इस पे जोन में चली गई थी so, ये सब कुछ उसी के लिए था अभी फिर से ये कंपनी गिर सकती है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ की गिरेगी गिरेगी गिर सकती है इससे मतलब ये जो लो है इस आज का जो लो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हो थर्टी थ्री पॉइंट टू फाइव का लो निकल के आ रहा है सो so थर्टी का लो टूट सकता है चांसेस मैक्सिमम है सेवेंटी परसेंट चांस है कि थर्टी थ्री पॉइंट टू फाइव का जो लो है वो टूट जाएगा बाकी अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस है वो निकल के आ रहा है कंपनी की ऑल टाइम लो के आसपास जो कि ये है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव रुपीज बाकी अगर एक सपोर्ट रेंज के बारे में बात करें तो सपोर्ट रेंज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है सत्ताईस रुपये से लेकर के बाईस रुपये के साढ़े बाईस रुपए के बीच में एक स्ट्रॉग सपोर्ट बेस सो हो सकता है कि कंपनी यहाँ से रिवर्सल ले ले सो so अभी उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जिन लोगों का होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है तो देखो देखोगा अगर अभी तक अपने होल्ड करके रखा है इस कंपनी को तो मैं यही सजेस्ट कर कि और भी कुछ दिन के लिए होल्ड करके रखो क्योंकि अभी कंपनी ऑलमोस्ट छत्तीस रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है सत्ताईस रुपये के आसपास बाईस रुपये के आसपास है कंपनी का ऑल टाइम लो मतलब ये एक स्ट्रॉग सपोर्ट बेस है तो अगर यहाँ से रिवर्सल ले लेते हैं तो आप लोगों को कम लॉस होगा लॉस होगा लेकिन कम लॉस होगा कंपेयर टू अभी जितना हो रहा है तो सिंपली वेट कर जा कुछ और दिन बाकी स्टॉप लॉस लगा है अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी लो से भी नीचे गिर जाता है मतलब एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाता है नीचे की साइड पर तो बहुत नीचे के लेवल दिखा सकता है हो सकता है कि एक पेन स्टॉक बन जाए तो कुछ भी हो सकता है तो सिंपली अगर होल्ड करके रखे हो अभी तक तो अभी एग्जिट मत करो कुछ दिन और वेट कर लो 20 से इक्कीस रुपए के बीच में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने के बाद और रही बात फ्रेश एंट्रीज की तो देखो अभी एंट्री मत लो क्योंकि करंट टीटीएम की जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि मार्च क्वार्टर में भी ये कंपनी अंडर परफॉर्म ही करने वाली है एंड मार्च क्वार्टर की जो रिजल्ट है उसको आउट होने में अभी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पंद्रह से बीस दिन बाकी है तो सिंपली वेट कर जाओ उसके बाद हो सकता है ये कंपनी आप लोगों को पच्चीस के भाव के आसपास मिल जाए मतलब पच्चीस के आसपास मिल जाए तो उसके आसपास एंट्री ले लेना है एंड हाँ स्ट्रिक्टली लॉन्ग टर्म के लिए ही एंट्री बनाना जब तक ये कंपनी 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करेगी तब तक